चलिए निमसेट की एक और टॉपर से मिलते हैं जिनकी ऑल इंडिया रैंक 110 है, 110, उमी शर्मा जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको इस रैंक के लिए ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके चेहरे की खुशी अलग ही बता रही है, आप इस रैंक के साथ बहुत हैप्पी हैं। तो मैं आपसे बेटा, आपकी जो 110 रैंक है ये बहुत अच्छी रैंक है और ये रैंक आपने ड्रॉप ईयर के साथ अचीव की है। तो मैं चाहूंगा कि आपने जो इंटायर आपकी सक्सेस जर्नी, कब आपने लिमसेट का सोचा, फिर इम्पिटस के साथ आपने के साथ आपने साल भर के ढंग से स्टडी की, टेस्ट पेपर्स कैसे देते थे, वो सारी आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी मैं चाहूंगा वो बताएं। तो मुझे सेकेंड ईयर के समय से नीमसेट के बारे में पता चला, तो थर्ड ईयर में आके मैंने नीमसेट के लिए तैयारी शुरू किया था। तो कॉलेज एंड नीमसेट के बैलेंस नहीं हो पाए उस समय, कॉलेज के प्रोजेक्ट था थर्ड ईयर में, तो मैंने बैलेंस नहीं कर पाया था। देन मैंने पिछले साल आपके मेडिकल कोर्स ज्वाइन किया था मार्च को, तो मार्च को ज्वाइन किया था। देन अप्रैल में मेरा एनसेम था, एनसेम देने के बाद मैंने 1 महीने अच्छे से मेडिकल कोर्स पढ़ाई किया। देन मैंने 1 महीने पढ़ाई के बेसिस पे पहले पिछले साल दिया था, पर उतने अच्छे रैंक नहीं हो पाया था पिछले साल। तो मैंने सोचा कि अगर एक साल और अच्छे से पढ़ाई करूंगी तो रैंक आ जाएगा अच्छे, तो मैंने फिर ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया था आपका। ठीक है। तो मैंने सर आपके साथ, मैंने आप पढ़ाई के अलावा आपने मुझे बहुत कंसिस्टेंस लगा है, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बहुत, और मोटिवेट बहुत करते थे सर आप, डिमोटिवेट होने ही नहीं दिया पूरा जानने, क्योंकि ड्रॉपर के समय एक प्रेशर होता है कि ड्रॉप है, पर सही बात है। आपने बहुत, तो आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट करके रखा था पूरा जर्नी में। बिल्कुल सही बात बोले बेटा आपने। देखिए क्या होता है, जैसे हमारा मेडिकल कोर्स का पर्पस भी होता है, कुछ बच्चे एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देते हैं पर बाई चांस नहीं आ पाती, तो उन्हें ये पता होता है कि इम्पिटस किस लेवल पे किस क्वालिटी के साथ पढ़ाता है। फिर बच्चे जुड़ते हैं, जैसे आप लास्ट ईयर के ड्रॉपर बैच में जुड़े, फिर आपने साल भर पढ़ाई की है ना, और आज इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रैंक है यस आपका सर, थैंक 110। तो ये बताओ, जब आपने ड्रॉप लेने का मन यू बना सर। लिया था और फिर आपने ड्रॉप लेके पढ़ाई की, तो पूरे साल कहीं आपको स्ट्रेस आया क्या कुछ? मैं कभी कभी सर आता था, पर ओके मतलब कब अगर एग्जाम में उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते थे तो डिमोटिवेट हो जाते थे कभी, पर नेक्स्ट दिन आपका क्लास होता था तो आप फिर से मोटिवेट कर देते थे। तो डिमोटिवेट उतने अच्छे से नहीं हो, मैंने मतलब मोटिवेट रहते थे आप, बहुत ओके डिसिप्लिन में रहते थे आप मुझे पता है, आप हर क्लास के बाद एक शेड्यूल बोल देते थे जो कि ये सब, मैंने हर रोल मैंने मतलब रोज ये दिन का करना है शेड्यूल कैसे टारगेट। होना चाहिए। हाँ 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 तो पहले पहले मैं शेड्यूल नहीं फॉलो करती थी, पर आप मैंने वो शेड्यूल मतलब हर दिन बोलते थे, तो धीरे धीरे मैं शेड्यूल फॉलो करने लगा, तो बिल्कुल सही है, तो ये वो बहुत ही हो अच्छी गया बात था। है। अच्छा ये बताओ, एग्जामिनेशन हॉल में आपका आपका माइंडसेट क्या था पेपर देखने के बाद, और फिर पेपर को कितना हैंडल किया, और आपकी नंबर कितने, स्कोर्स भी बताना आप सबसे पहले। ओके ओके सर, सो पहली बात तो आपके पास बहुत एग्जाम दे दिया था वैसे पैटर्न के, एग्जाम एग्जाम देने के समय थोड़ा बहुत पैनिक आ गया था 10 to 15 मिनट, पहले 10 to 15 मिनट में, बट फिर लगा कि मैंने पूरे साल एग्जाम दे ही है आपके पास, तो फिर नॉर्मली था एग्जाम देने के समय। पर आपने जब एग्जाम लेते थे आप उससे एलआर के, मुझे पता है आप 30 मिनट के जगह 28 मिनट करते थे, मैं 2 मिनट रिड्यूस करके देते थे, आप बोलते थे कि एग्जाम हॉल में जाके वो मैनेज हो जाता है। तो मेरा सही है। मैथ्स में होते उतना अच्छे से मैंने परफॉर्म नहीं कर पाया था, मैंने जितना सोच के गए थे मैं 32 अटेम्प्ट किया था, बट फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं आया था उससे। तो मैंने जब एलआर के पेज मेरा ओपन किया, मैं 30 सेकेंड कुछ नहीं किया, मैंने सोचा अगर मैथ में ऐसे हुआ है तो थोड़ा 30 सेकेंड मैंने खुद को संभाला, फिर मैंने इलाज शुरू किया। तो आप बोलते थे कि वो एग्जाम हॉल में जाके वो मैनेज हो जाता है, तो वो असल में हुआ है सर, क्योंकि 28 मिनट में इलाज करने मतलब वो हमारा हैबिट हो गया था ऑलरेडी, 28 मिनट में 30 एलआर, सॉरी 40 एलआर करना है, तो वो हेल्प किया है बहुत अच्छा। बिल्कुल सही बोला बेटा आपने, क्योंकि मैं अक्सर थोड़े से मिनट इसलिए कम करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो एग्जाम में काम आते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसे मैथ्स के बाद तुरंत निकल के आपने अच्छा करा कि 30 सेकंड 1 मिनट रुके, जिसके बाद आपने अच्छे से एलआर किया, कंप्यूटर किया,
और होल स्कोर को मिला के ही रैंक बनती है, तो आपका होल स्कोर बहुत अच्छा आया। तो नेट स्कोर कितना आया था आपका 510 रैंक पे? 529। 529। वेरी गुड बेटा। और अच्छा आप ये बताओ, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप वेस्ट बंगाल से, अक्सर गर्ल्स ड्रॉप लेने से बचती हैं या सोचती हैं नहीं लेना चाहिए या साल खराब हो जाएगा, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर ड्रॉपर को तो एक एग्जाम से होता है, क्योंकि वो एक बार एग्जाम दे देता है तो वो प्रेशर में, मतलब वो एग्जाम हॉल के प्रेशर समझते हैं वो कैसे खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। तो और आपके पास मतलब इंप्रेस के मेरा जो होल जर्नी है वहाँ पर मैंने आप बहुत मोटिवेट करके रखते हैं, तो डिमोटिवेट होने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। और आप बहुत ज्यादा टेस्ट लेते हैं, तो वो सब मैंने, मुझे लगता है अगर ड्रॉप देने से आपका रैंक अच्छा हो जाता है तो ड्रॉप देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके। अब आप ऐसे ही आगे एनआईटी में भी अच्छा परफॉर्म करो और लाइफ में भी आगे थैंक बहुत यू, अच्छा करो, यही आपको शुभकामनाएं दूंगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।